आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं रांची झारखंड से। झारखंड से। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बनाए थे और एक साउथ अफ्रीका का भी है। नहीं जो कहीं साउथ के राज्य के वगैरह किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए ऐसा कुछ किया? हाँ मैंने करा था। हाँ मलयालम में कोई लड़की मिली, वो कॉल पर बात कर रही थी, मैंने सुना कि मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, उन्होंने बोला कि मलयालम है, तो उन्होंने फिर मैंने उनसे और पूछा कि मलयालम में कुछ बताइए मुझे कि मैं किसी से हेलो बोलूँ या किसी से बात करूँ, फिर मैंने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि सुने सुन भी सकूँ। मैंने हिंदी सिखाई हिंदी आपने सिखाई और एक दोस्त ने असमिया सिखाया लोगों को और मैं पहाड़ी हूँ तो मैंने पहाड़ी में बताया है। कहाँ से हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गांव से पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ वहाँ पे धारतुला जाते हैं। मैं धारतुला में रहा हूँ। अच्छा दोस्तों बताइए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा पे चर्चा भी है मतलब देखने का आपको सब पता परीक्षा पर चर्चा का फायदा लिया है। ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तब तनाव की शुरुआत है, लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं तो तनाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नहीं होता ऐसा, नहीं कम हो जाती है, और इसलिए कोशिश करनी चाहिए। डिटैचमेंट कैसे आए स्वभाव में बड़ा कठिन काम है, लेकिन और वो आपको संतुलित रखता है। सर विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या राज है? उसका कारण आप लोग इस देश के लोग, लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है, विश्वास बन गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा लगा है सरकार। देखिए हमारे देश के गांव में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई उनसे अंग्रेजी में पूछ रहा, अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसको अंग्रेजी में जवाब आ रहा है तो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने, और आपने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए। अच्छा आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना? सात दिन तक कैश को हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा किया प्रयोग? उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए, लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। जॉब सीकर ना बनके जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ये सही आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने 2016 में RPDWDA लाए PWDs के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 1995 तक था बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसके बारे में, गवर्नमेंट आई उसके बारे में, बट मैं स्पेशली थैंक आपको ऑन द बिहाफ ऑफ जितने PWD कैंडिडेट हैं, क्योंकि सर मैं आज उसी बदौलत उसी पॉलिसी के बदौलत आज मैं ड्यू पे पढ़ रहा हूँ। कोई प्रिंसिपल है उन्होंने भी आपको याद किया है, वो खुद मैम क्या कहते हैं हर जगह ग्रीनरी फैलाने की बात करती है। मालूम है मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो पैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। अब देखिए मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं, वो 40-50 बच्चे हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गाँव वापस आते हैं, तो उन्होंने पूरे हर गाँव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए, कर रहे हैं लोग, स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। अब जैसे 2025 तक हमें TB से भारत को मुक्त करना है, अब किया जा सकता है, सिर्फ TB के पेशेंट को हमें गोद लेना है, सरकार दवाई देती है वो दवाई उसको पहुंचानी है, 6 महीने तक उसको खाने के कुछ नियम है उसको पालन करना है,
छः महीने में चला जाता है, तो उसको हम बहुत बड़ी मदद, अगर देश के नौजवान तय करें कि हमें टीबी मुक्त भारत बनाने में योगदान करना है।